हमार भाई के साथ जो कुछ हुआ अल्लाह के फजल से हमारे जो रियासती इदारे हैं, ख्वाह वो पुलिस का इदारा हो, जुडिशरी का हो, एसआईए हो या फौज हो, इनके जितने ऊपर तक बड़े हैं ना उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन कॉन्टेक्ट हूँ, बल्कि खुद उन्होंने इस हवाले से हमें यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह इनके साथ जिसने भी ज्यादती की है वो हमें पता है। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, उन लोगों को जिनके अब्बू ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया और तुम्हारे अब्बू ने उसको छापा और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए, कुछ ऐसा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, जिनके बुजुर्गों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, तौहीद से आरी लोग अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख है, साहबा के भी गुस्ताख है, अहले बैत के भी गुस्ताख है, औलिया के भी गुस्ताख है। हाँ एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट में उनका गुस्ताख हूं तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है कोई नहीं, और मैं मिर्जा उस वक्त था और मेरे अब्बा जी के नाम के साथ मिर्जा उस वक्त लिखा जाता था जब तुम्हारे मिलाद के इश्तहारों के ऊपर मेरे अब्बू का नाम लिखा होता था, उस टाइम मिर्जा तो मिर्जा नजर आता। उस शख्स को कादियानी कह रहे हो कि जिसने गुलाम अहमद कादियानी से जान का इल्मी मुआसमा किया, जाए मेरी वीडियोस देखें, दुनिया में इस वक्त सिर्फ मेरी वीडियोस हैं इल्मी मुआसमे के ऊपर, बाकी सब ने सिर्फ उसको गालियां निकाली है। मैंने टीएलबी वालों से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी तहरीक को कहें एंटी कादियानी तहरीक, खत्म नबूवत का तो मतलब यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई सूफी बाबा हो या उसके मानने वाले हो या उसकी तरफ मंसूब किताबें हो जिनको तुम लोग पेंट कर रहे हो, जिन जिन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए एंडोर्स किए चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ रसूलुल्लाह, उनको भी तुम उसी कतार में लाके खड़ा करो।